नमस्ते प्रणाम और गुड मॉर्निंग सबको। आज एक गाना भी रिलीज मेरा हुआ है फरिश्ता का, और आप लोगों ने फरिश्ता मूवी को जो मोहब्बत और प्यार दे रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कम है और चाहिए, क्योंकि वो उस लायक है। और जब तक आप सबकी मोहब्बत और प्यार उसको नहीं मिलेगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि वो एक अलग दिशा में जाएगी। आज ट्रिपल आर को देखिए, इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया एक गाने को। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं सबको मिलकर और इस विषय पे काम करना है कि हमारा भोजपुरी इससे भी बेहतर हो, कोशिश करनी चाहिए। और उस गाने को पागले बना दी राम जी, जिस गाने को हमारे सनी किशन जी ने लिखा है, जो कि बलिया से रहने वाले हैं। बड़ा प्यारा सॉन्ग है वो जो कि उन्होंने लिखा है। दिल से धन्यवाद सनी किशन भाई को। बड़ा धूप आ रहा है, इधर से डालो ना, इधर इसको मैं डालू, इसको यहाँ डालते हैं। तो इसलिए आप लोग ऐसे ही प्यार हमारे उस सिनेमा को और दीजिए। और एक फैमिली, और जो सिनेमा आपके मम्मी पापा देखने चले जाएं, समझिए कि वो किस लायक होगा। तो बस इसलिए मेरे मम्मी पापा जाकर और फोन भी किए थे कि नहीं पर बेटा ऐसा ही काम करो, तो बड़ा अच्छा लगा जी, हमने कुछ बेहतर किया है। और आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए। और प्लीज मैं कुछ एक बात बोलने आया था कि कुछ लोग बहुत ज्यादा फोन और मैसेज मुझे कर रहे हैं कि भैया आप दुबई क्यों नहीं जा रहे हैं, ऐसी फिल्म आपसे आपका विरोध करती है। नहीं भाई, अभय भैया सबको प्यार करते हैं, बड़े भाई की तरह हैं, और उनके लिए सब छोटे हैं, और हमेशा वो हर आदमी को प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे नहीं अप्रोच किया, कि अगर उनसे मेरी कोई पंगा होती या उनसे मेरी दुश्मनी होती तो मैं उनका दो दो सिनेमा करने गया था अभी फिलहाल ही लंदन। उससे पहले भी मैं 3 सिनेमा लंदन करके आ गया, उससे पहले भी 1 सिनेमा लंदन की, बहुत सारी सिनेमा मैं उनके साथ किया हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो गार्जियन है, और मुझे शुभकामना है उनके लिए कि ऐसी फिल्म ही एक ऐसा है कि इंटरनेशनल अवार्ड शो कराते हैं वो, और हमेशा कराते हैं। सब कुछ सम्मान अपने इंडिया से बाहर जाके देते हैं और पाते भी हैं, तो उनका कोई इसमें दोष नहीं है। मेरे पास भी वक्त नहीं था, और उन्होंने ये भी बोला ही था कि बेटा पिछले साल तुम्हारी फिल्म रिलीज हुई है ज्यादा, और ज्यादा चली भी है, चाहे वो आशिकी हो या बोल राधा बोल हो या डोली सजा के रखना हो, और ये 3 सिनेमा तुम्हारे पिछले साल के हिट हैं, और बेहतर एक्टर हो तुम, अगर तुम नहीं जाओगे तो मुझे किसी और को देना पड़ेगा। मैं बोला कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, मुझे वक्त नहीं है, और मुझे पता है कि हाँ मैं जिस चीज का हकदार हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिनेमा में कर रहा हूँ अगर मैं आऊंगा तो वो कहीं ना कहीं उनका 3 दिन का सफर होता है दुबई जाना आना, और यहाँ बर्फ कब गल जाए पता नहीं, इसके वजह से मैं नुकसान ठीक है वो तो हम भर देते, बट जिस चीज के लिए हम आए थे वो चीज हमें नहीं मिल पाती। तो इसमें अभय भैया का कोई दोष नहीं है, ऐसी फिल्म का कोई दोष नहीं है भाई कि मैं दुबई क्यों नहीं जा रहा हूँ। अगर मान के चलो कि आप आज कल मेरा बर्थडे भी है, तो मैं बर्थडे के लिए अपने परिवार और फैमिली के पास नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो जिसके लिए मैं आया हूँ, जिस चीज के लिए आया हूँ, वही अगर नहीं मिलेगा तो फिर कोई मतलब नहीं। और खुशियां तो हम कभी भी मना सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो अभय भैया का इसमें भाई कोई दोष नहीं है, आप लोग बिल्कुल ऐसी फिल्म को दोष मत दीजिए। मेरे पास वक्त नहीं था, और कल परसों तक मैं ट्राई किया कि हो सकता है मैं चला जाऊं, काम खत्म हो जाएगा, बट नहीं उन्होंने, मैं इसीलिए मैं पोस्टर पे बोला था कि भैया प्लीज मेरा फोटो मत डालिएगा, इसलिए क्योंकि मैं फोटो डल जाए और मैं नहीं जाऊं तो वो भी बुरा हो जाएगा, क्योंकि मैं सिचुएशन यहाँ नहीं हो रही थी, और इसमें अभी भैया का कोई दोष नहीं है, और उन्होंने बहुत ट्राई किया बेचारे की, तो नहीं जाओगे तो बेटा किसी और को मुझे देना पड़ेगा। हमने ठीक है भैया, कोई भी अवार्ड हो चाहे कुछ भी हो, सम्मान हो तो अपने भोजपुरी भाषा के कोई ना कोई भाई को ही मिलेगा ना, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है उसे, अपने घर में ही आ रहे वो चीजें। तो इसलिए बिल्कुल आप लोग उनको दोष ना दें कि ऐसी फिल्म उनका है इनका है, नहीं वो सबके हैं, वो बड़े भाई हैं, और सबको पता है कि कौन चीज क्या है कैसे है, और सम्मान मिलेगा, आप काहे चिंता कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि पिछले साल आपके
हमारी डोली सजा के रखना बहुत बढ़िया थी, बहुत चली थी, लोगों ने सराहा भी था। आपके बोल रहा था, बोल ने बहुत प्यारा परफॉर्म किया था। आपके हमारे आसी की जो कि बहुत एक अद्भुत कहानी हमारी और अमरपाली जी की जो थी वो क्लास की मूवी थी, तो कहीं ना कहीं उनको भी सम्मान मिलेगा ही, क्योंकि वो लोग इतने तो अंधे नहीं है कि वो चीजों को नहीं देखते हैं। और अभी भी ने खुद ही बोला था कि नहीं बेटा तुम्हारी फिल्म चली है, तो उनको पता है। तो आप लोग बिल्कुल किसी को दोष ना दें, अभी भी हम लोग के बड़े भाई हैं और बड़े भाई हमेशा कहीं ना कहीं सम्मान देते हैं। और इतने दूर एक भोजपुरी की अवार्ड के लिए इतने बेहतर फंक्शन करते हैं वो, तो वो बधाई के पात्र हैं। ऐसा नहीं कि आप लोगों का निंदा करें, तो प्लीज़ आप लोग जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर हैं हम सब भाई से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप लोग इस टाइप की बातें ना करें। और जितने भी मुझे भाई, मैं अपने मन से नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि किसी का 15-20 लाख रुपया नुकसान हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं। और मैं बर्थडे के लिए देखो कि अपने परिवार में नहीं जा रहा हूँ। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, मेरे पापा थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं वहाँ पे, भाई मैं वहाँ नहीं आ रहा हूँ, बर्थडे मनाने में कहीं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे शूटिंग है मेरा, तो हम छोटा सा केक यहीं काट लेंगे। तो हो सकता है मैं अगले साल आप लोग का इच्छा पूरा करूँ जो भी है, तो मैं नहीं आ रहा हूँ घर पे, और ना ही मैं पटना आ रहा हूँ, ना मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो इसीलिए क्योंकि काम है, और मैं आप लोग को पता है कि मैं काम के अलावा मुझे कुछ सोचता नहीं है, इसलिए मैं दुबई तक नहीं जा रहा हूँ। एक इतना बड़ा अवार्ड शो, बड़े भैया, और उनका बात मैं काट रहा हूँ, तो सॉरी अभी भैया, इसमें आपका कोई गलती नहीं है, बट कोई नहीं, मेरा अवार्ड किसी और को दीजिए आप, क्या फर्क पड़ता है, किसी भाइयों को ना मिलेगा, हमें उससे दुख थोड़ी है। बस सम्मान भोजपुरी का होना चाहिए, बस इससे कि भोजपुरी हमारी है। दुबई में आज भोजपुरी, कल जाके गड़गड़ाएगी वो कम थोड़ी है कि भोजपुरी भाषा हमारा दुबई में गड़गड़ाएगा कल, हमारे सब भाई परफॉर्म करेंगे, सब लोग झूमेंगे गाएंगे, तो वो खुशी है कि हाँ हमारी भोजपुरी जा रही है दुबई। खेसारी के ना जाने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भोजपुरी के लिए ही काम कर रहे हैं भैया, ताकि भोजपुरी को बेहतर सिनेमा दे सकें, भोजपुरी को बेहतर कॉन्सेप्ट दे सके। तो मैं उसी के लिए, पता नहीं ये बर्फ मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा इसलिए, और पता नहीं कौन सी फिल्म आई थी यहाँ पे शूट होके, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि पहली मेरी तो पहली फिल्म है जो कश्मीर में शूट हो रही है और इतनी बेहतरीन लोकेशन पे शूट हो रही है, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ। तो क्षमा प्रार्थी हूँ मैं कि, और आप लोग बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि मैं अभी भी आपसे कोई पंगा है, नहीं नहीं, वो बड़े भाई हैं और हम सबको बहुत प्यार करते हैं, वो इतने प्यारे इंसान है कि अपना लव सह के भी दुबई में अवार्ड शो, लंदन में अवार्ड शो, पेरिस में अवार्ड शो, जहां भी उनकी कोशिश रहती है कि भोजपुरी को एक अलग लेवल पे, अलग जगह पे लेके जाया जाए, अपने भाषा की गूंज हर उस आउट ऑफ इंडिया में गूंजे, तो उनका एक प्रयास हमेशा रहता है, वो सफल भी होते हैं। तो इनमें उनका कोई दोष नहीं है भाई, और बिल्कुल गलत है कि वो मुझे लेके नहीं जा रहे हैं, मैं खुद ही नहीं जा रहा हूँ इसलिए, क्यों, ताकि नुकसान हो जाए। तो प्लीज आप लोग डोंट माइंड आप लोग, और आप लोग मेरे बर्थडे का केक खुद ही काट लीजिएगा, इस बार मैं सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ कारण ही मेरा सिनेमा है, क्योंकि यहाँ से जाना आना बहुत टफ है और वो चीजें नहीं हो पाएगी, इसलिए हमारा जो भी, आप लोग मेरा बर्थडे खुद ही मनाइएगा, इस बार आप लोग मनाइए मेरा बर्थडे, खेसारी लाल का बर्थडे हमारी जनता मनाएगी जिन्होंने खेसारी को बनाया है। तो आप लोग इतना प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि मुझे मनाने की जरूरत ही ना हो, हर साल आप ही मनाइए। तो कोशिश यही है कि बस आप सबके दुआ और आशीर्वाद में हमेशा रहूं और आपका प्यार ऐसे ही पाते रहूं, और हमारे फरिश्ता को इतना भर भर के प्यार दीजिए कि इस साल नहीं, आने वाले हर साल से बड़ी एक उपलब्धि हो, और ऐसे ही हर सिनेमा को उपलब्धि मिले, और हर सिनेमा जो भी भोजपुरी की सिनेमा बेहतर हो उसको ऐसा ही प्यार दीजिए, ताकि लोग बेहतर काम करें, बेहतर एक्टिंग करें, हमारे भाई जो बड़े हैं वो भी, जो छोटे हैं वो भी, सबको हम लोगों को मिलके इस चीजों को बड़ा करना है। अब कुछ यूट्यूब वाले हम अच्छे भी बोलेंगे तो बुरा ही बोलेंगे, क्योंकि उनको 2000 में 2 करोड़ की फिल्म को बर्बाद करना है, और एक 12x13 के रूम में उन्होंने डिसाइड ये करी थी, 4 जने के चक्कर में हमने के वो 12 करोड़ और 30 करोड़ जनता के दिल पठेस नहीं पहुंचाएगी, हम लोग उन जनता के लिए काम करना है। इन लोगों को तो जीवन में 2000 रुपया कमाना है, पढ़ लिख के कुछ किए तो है नहीं, बस दुनिया को बस ज्ञान बांटने आते हैं ये, और ये ज्ञान के लिए ही बने हैं, तो इनको ज्ञान देने दीजिए। आप रामायण भी बोलिएगा तो इनको बुरा ही लगेगा, उस रामायण में भी इनको गंदा ही नजर आएगा, तो छोड़ दीजिए, ये जीवन में कुछ करने वाले नहीं है लोग, ये 2000 4000 5000 यही कमाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे वो अपना, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में, क्योंकि इनको बड़ा नहीं बनना है, और जो बड़ा होता है उसका टांग खींचते हैं।
तो इनके बिल्कुल चिंता मत करिए, तो हम कुछ भी बेहतर बोलेंगे तो इनके लिए बुरा ही होगा, तो बिल्कुल हटा दीजिए इन सब चीजों को। ये 4-5 लोग जो हैं ये उसी के लिए बने हैं, इनको ना भोजपुरी से लेना देना है ना भोजपुरी भाषा से लेना देना है, इनको अपने बस यूट्यूब से जो माल कमाना है उससे लेना देना है, ये ज्यादा कुछ नहीं कर सकते अपने करियर में। तो ठीक है, ये 2000 के लिए 2 करोड़ की फिल्म को बुरा बोल सकते हैं, 30 करोड़ जनता को गलत बता सकते हैं कि आप गलत हैं, तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? जिसको पता ही है कि हाँ वो गलत ही बोलेगा, तो उसके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं, नो प्रतिक्रिया। तो बस आप अपना ख्याल रखिए, और आप लोग मेरा बर्थडे मनाइए, और आप लोग प्यार दीजिए। इस बार थोड़ा सा हूँ परेशानी में, हूँ परेशानी नहीं बल्कि एक बेहतर सिनेमा इस आर के म्यूजिक का कर रहा हूँ, जो कि ये लोग दिल खोल के हर उस चीज पे मेहनत कर रहे हैं। प्यारा प्यारा लोकेशन, चाहे वो कितना भी पैसा लग जाए, प्यारा प्यारा फाइट सीक्वेंस से लेकर इतने बड़े कैमरे पे, जो कि बहुत कम ऐसी शूट होती है भोजपुरी फिल्म, लेकिन उन्होंने बहुत हाई क्वालिटी का कैमरा भी रखा है। तो बस प्यार दीजिए कि बेहतर सिनेमा करके आऊं मैं यहां से, बस उसके बाद करेंगे ना हम लोग, बर्थडे तो मनाना ही है, कहीं ना कभी कभी ना कभी तो मनाएंगे। खुशियां बांटना है तो कभी भी बांट सकते हैं, बट जो चीजें हमारे हाथ से निकल जाएगी वो चीजें फिर दोबारा आएगी नहीं, इसलिए बर्थडे तो कभी मन सकता है। तो आप लोग मनाइए, इस बार कितना केक काट सकते हैं आप काटिए, मैं आप सबको एंजॉय करूंगा। लव यू, थैंक यू।